नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी न्यूज चैनल में। कृषि से जुड़ी खबरें, फसलों के भाव और सरकारी योजनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं कॉटन, कपास और बिनौला खल के भाव को लेकर एक्सपर्ट अजय केडिया की राय। नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 8 जुलाई, कल के सेशन में पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमने एक मिला जुला ट्रेड आते हुए देखा, जहाँ इंटरनेशनल में हमने जैसे कहा था कि 63 के लेवल पे थोड़ा सा हमने रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखा, बट ओवरऑल 60 के ऊपर अगर कॉटन आइस अगर मेंटेन रहता है तो हम 68 तक का भी लेवल देख पाएंगे। जिस दिन से यूएस में हमने रिपोर्ट देखी है कि लोअर देन एक्सपेक्टेड प्लांटिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा बुलिश टोन है। और साथ में हमने देखा पाकिस्तान और बाकी जगह पे भी हमने थोड़े से स्विंग में ड्रॉप देखे, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में हमें लगता है अगले एक हफ्ते में 68 सेंट तक का लेवल कॉटन में दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कल कॉटन में हमने फ्लैटिश टोन देखा है, बट 16,000 के ऊपर मेंटेन करने पे हमें लगता है 16,200 का इमीडिएट लेवल और 16,400 तक के भी लेवल हम अगले कुछ हफ्तों में देख पाएंगे। वहीं कपास अभी भी 1000 का लेवल तोड़ने में असक्षम है, प्राइजेस एक रेंज में रहेंगे जो 960 से लेकर 1000 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ रहेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो कल दिन के सेशन में हमने गिरावट देखी और प्राइजेस 1900 के नीचे जाने के बाद अचानक ही मार्केट में फिर से हमने तेजी आती हुई देखी। हमने इससे पहले भी कहा था कि 1900 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, अनलेस एंड अंटिल प्राइजेस इसको तोड़ के होल्ड नहीं करता है तब तक मार्केट में गिरावट रहेगी। बट कल के सेशन में जिस ढंग से हमने 1900 का लेवल रिगेन करते हुए देखा और 1920 का लेवल तोड़ने पे हमने शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी और प्राइजेस में 3% का उछाल आया, ये उछाल 1980 पे जाकर रुकना चाहिए। हम 1900 से लेकर 2020 का एक ब्रॉडर रेंज अब तक बन चुका है। जब तक प्राइजेस 1900 का लेवल के ऊपर होल्ड है, हमें लगता है 1980-85 का इमीडिएट पहला रेजिस्टेंट और मेजर टर्न अराउंड आना है तो 2020 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है, अनलेस एंड अंटिल मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम चार्टिकली अगर बात करें तो चार्टिकली हमने देखा था कि प्राइजेस में 2220 का लेवल फेल होने के बाद मार्केट में एक भारी गिरावट आई और 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल भी तोड़ चुका था। एज ऑफ नाउ 2040 या 2020 की जगह हम 2040 भी अगर पकड़ के चले, जब तक ये लेवल के ऊपर प्राइजेस क्लोज नहीं करती है, पॉसिबिलिटी है हम एक रेंज में ही रहें। बट ध्यान रखिए 1900 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले भी देखा 1900 का लेवल छुआ और छूने के बाद मार्केट में फिर से जंप आ गया, तो अनलेस एंड अंटिल 1900 का लेवल ट्रेड के नीचे ट्रेड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि हम 2020 से लेकर 1900 के बीच में ही मार्केट को ट्रेड करते हुए देखेंगे। 1900 का लेवल तोड़ने पे 1840-1850 तक के भी सपोर्ट बनते हैं। इससे पहले भी हमने अगर पिछले महीनों की बात करें तो हमने 1900 के लेवल पे ही मार्केट को रुकते हुए देखा और उसके बाद हम जानते हैं कि मार्केट में एक बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दी, जो 2200 का भी लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। तो एज ऑफ नाउ एक हफ्ते में हमें ध्यान दो चीज देनी है, एक तो 1900 के ऊपर प्राइजेस कंटिन्यू मेंटेन रहे और 2020 के ऊपर अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज अगर इसके ऊपर प्राइस निकल जाता है तो हम अच्छी तेजी देख पाएंगे। टेक्निकली RSI आज अगर 52 के ऊपर निकलती तो आज इंट्राडे में भी तेजी रहेगी, बट 1885-1890 के लेवल देखने लायक है। चॉपिनेस दिखा रहा है कि आगे जाके वॉलिटिलिटी अगले 2-3 सेशनों में बढ़ेगी और वो तेजी की तरफ रह सकती है। आइस कॉटन हमने ऑलरेडी 6350 का लेवल छूने के बाद थोड़ा पुलबैक जरूर दिखा रहा है, बट 62 के करीब बाइंग इनिशिएट होती है, जो 68 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे इंटरनेशनल कॉटन में, जिसका एक सेंटिमेंट इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आपको कॉटन और कॉटन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहेंगे। धन्यवाद।